ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आज अधिक मास की पूर्णिमा है। आज का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत खास दिन है। तो आइए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनके करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा अति शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। आज यानी मल मास की पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ा कर आए और फिर जल अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही कर्ज की समस्या से मुक्ति भी मिलती है और व्यापार में तरक्की होती है। अगर आज यानी मल मास की पूर्णिमा की रात पति और पत्नी एक साथ चंद्रदेव को अर्घ दें तो ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और पति पत्नी के रिश्ते में आई असुरक्षा की भावना भी खत्म होती है। स्वास्थ्य मामलों के लिए भी पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देना फायदेमंद होता है। इससे विशेषकर हड्डी और आंख के रोगों में फायदा मिलता है। अगर आपके व्यवसाय या फिर नौकरी में किसी तरह के मानसिक दबाव या तनाव की परेशानी है तो मल मास की पूर्णिमा के दिन खीर में केसर मिलाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। इसके बाद सबसे पहले घर की सबसे बड़ी महिला को ये खीर खिलाएं और फिर बाद में गरीब व जरूरतमंद लोगों को प्रसाद के रूप में ये खीर बांट दें। ऐसा करने से आपका कष्ट दूर होगा और ये उपाय समृद्धि का कारक भी माना गया है। आज यानी मल मास की पूर्णिमा को चंद्रदेव को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्पित करें। साथ में ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से धन धान्य में कभी कमी नहीं होती और आप धन संपदा के मालिक बनते हैं। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाने वाला ये महीना विष्णु भगवान की पूजा के लिए भी बहुत उत्तम है और आज की ये पूर्णिमा तो खास लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए बेहद शुभ है। इसलिए आज की पूर्णिमा को ऐसे ही ना जाने दें, माँ लक्ष्मी की आराधना करके उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करें। और आज की रात जैसे ही चंद्रमा के दर्शन हो, ओम श्राम श्रीम सौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र के जाप के साथ उनको नमस्कार अवश्य करें। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसेगी। आज के दिन नॉन वेज यानी मांसाहार और मदिरा का सेवन ना करें। इसके अलावा आज खास तौर पर किसी के साथ झूठ फरेब या धोखाधड़ी ना करें क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु बहुत क्रोधित होते हैं। वैसे तो ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि इस जन्म में हर कर्म का फल मिलना निश्चित है, पर आज तो माता लक्ष्मी की दृष्टि आप पर लगातार बनी है, इसीलिए आज अच्छे कार्य करके उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करें। जय लक्ष्मी माता।